चतरा के टांडवा में ग्रामीणों की ओर से आउटसोर्सिंग के गाड़ियों को जलाने के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। टांडवा के 200 ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले को विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया था। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में संचालित एनटीपीसी में रैयतों और ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पथराव और आगजनी के मामले में 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों से टंडवा थाने में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक एनटीपीसी कर्मी भी है। पुलिस ने एनटीपीसी अधिकारियों की लिखित शिकायत और वीडियो फुटेज के आधार पर रैयतों और ग्रामीणों के बीच मामला दर्ज किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने लगभग 60 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। परियोजना परिसर कार्यालय में हुए हमले के बारे में एनटीपीसी के GGM तजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि रैयतों और ग्रामीणों ने आंदोलन की आड़ में परियोजना और सुरक्षा कर्मियों पर बम से हमला किया था। इसके अलावा दहशत फैलाने के उद्देश्य से पिस्टल का भी प्रयोग किया गया है। GGM ने कहा है कि परियोजना कार्यालय पर हमला कर रैयतों ने कार्यालय में लगे करीब 2 दर्जन से अधिक कंप्यूटर और लैपटॉप अन्य उपकरण भी लूट लिए हैं। ऐसे में लाठीचार्ज से नाराज लोगों ने हंगामा किया था और NTPC पुलिस प्रशासन के बाद साथ दर्जनों बार ऐसी झड़पें हो चुकी हैं। कई समझौतों के बावजूद यह मामला आज तक नहीं सुलझा है। पुलिस फिलहाल प्राथमिकी 200 लोगों पर दर्ज की है और फिलहाल छापेमारी अभियान चालू किया गया है। कल कुछ उपद्रवियों द्वारा पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट्स पे पथराव किया गया था और काफ़ी यहाँ पे आगजनी इत्यादि की भी घटना घटी है। उसके बाद हम लोग अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज कर अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों पे सर कार्रवाई हुई अब तक? लगभग 200 के आसपास लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसके अलावा हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। सडनली पथराव शुरू कर दिया और पुलिस के पास पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पूरा संयम बरता, पीछे हटे। हमारी CSF हमारे गेट्स पे लगी थी और ये लोग उग्र होते चले गए। इन्होंने बम का प्रयोग भी किया, हमें पिस्टल भी लहराई और ट्रकों को आग लगा दी। हर तरफ से हमारे पोटेगमन को आग लगा दी। हमारे सिंप्लेक्स जो एक कंपनी हमारे रेजर काम करती है उसके सारी मशीनरी और ऑफिस को जला दिया गया, लूट लिया गया। तो कल एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो है इन्होंने बहुत ही तांडव किया और उसमें भारी नुकसान NTPC को हुआ है। कितना नहीं हो पा रहा, जितना हम देखें 25 से 30 गाड़ी तो जली हुई हमको दिख रही है और 20-22 कंप्यूटर लूट के ले गए हैं उसमें से और बाकी आकलन अभी चल रहा है। ये जो बंद इनकी जो 3 सूत्री मांग की बात करते हैं इसका पूर्णतः निष्पादन 13 दिसंबर की मीटिंग में जो कि SDM सिमर की अध्यक्षता में हुई थी उसमें हो गया था, जिनमें इस विस्थापित वर्ग के संयोजक कृष्णा साहू के सिग्नेचर भी है और उसमें रिटर्न में है कि इनको 21 दिसंबर को अपना धरना खत्म कर लेना था। उस्ताद आपत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।